22 दिसंबर का दिन एएमयू के लिए ऐतिहासिक होगा। 56 साल बाद एएमयू कैंपस में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। लेकिन इस ऐतिहासिक पल का स्वागत करने की बजाय कुछ कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं। दरअसल एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअली संबोधन होना है, लेकिन कुछ छात्र नेता इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे छात्रों ने पीएम को धर्म विशेष का विरोधी बताते हुए कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या शिक्षा के मंदिर में मजहबी सियासत होनी चाहिए। साथ ही सवाल यह भी कि क्या एएमयू में फिर से जिन्ना का जिन जाग गया है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। नरेंद्र मोदी को वाइस चांसलर द्वारा इनविटेशन दिया गया यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के खुशी में। जो वाइस चांसलर ने मोदी जी को इनविटेशन दिया है, हम इसका खंडन करते हैं। का दर्द रहता है कि मोदी जी मतलब कोई एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। खासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं, तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज्जत की बात नहीं मालूम होती मुझे। यार हम शराबत से बात कर रहे हैं क्या मतलब है? सर मुझे कोई कार्यक्रम तो यहाँ करना नहीं है। वैसे तो एएमयू में बीजेपी का विरोध कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार तस्वीर जरा हटकर है। मौका एएमयू के शताब्दी वर्ष का है, कार्यक्रम पीएम मोदी के संबोधन का है, विरोध एएमयू के ही कुछ छात्रों का है। 22 दिसंबर का पल ऐतिहासिक होगा। नरेंद्र मोदी आजाद भारत के दूसरे पीएम हैं, जिनका कार्यक्रम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होगा। लेकिन कुछ छात्रों ने अतीत के विवादों को मुद्दा बनाते हुए पीएम को मुस्लिम विरोधी बता डाला और कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाने का ऐलान कर दिया। वो अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के वाइस चांसलर ने अगर यहाँ पर न्योता दिया है तो उसके खिलाफ एक एक तालिबे इल्म है, सारे ओल्ड बॉयज़ हैं, सारे अलुमनाई अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के इस फैसले के खिलाफ हैं। हम कहना चाहेंगे वाइस चांसलर को, उन्हें अपने इस फैसले को दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो इनको न्योता दिया है वो न्योता हम और अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के ओल्ड बॉयज़ सब इस न्योता के खिलाफ हैं और हम उसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। एएमयू में पीएम के कार्यक्रम का विरोध करने वालों की फेहरिस्त में सिर्फ कुछ छात्र ही नहीं बल्कि कुछ इतिहासकार भी शामिल हैं। स्कॉलर्स आते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फ़र्क दुनिया पे पड़ता है। और ख़ासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं, तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज्जत की बात नहीं मालूम होती मुझे। यूपी में जहाँ मोदी जी तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ अभी आपने देखा ही होगा कि लव जिहाद के नाम का कानून पास हुआ है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऐसी चीज़ें टॉलरेट कर रहा है उसको ठीक है, आप बुलाएं तो आपकी अपने अपना फैसला है। उधर एएमयू कैंपस में पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन पीएम के कार्यक्रम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ये सब चंद लोगों को हजम नहीं हो रहा। यही वजह है कि ये न सिर्फ मोदी का विरोध कर रहे हैं बल्कि मीडिया के कैमरे को भी बंद करवाने की कोशिश करने में लगे हैं। यार हम शराबत से बात कर रहे हैं क्या मतलब है? परमिशन कह रहे, परमिशन सर मुझे कोई कार्यक्रम तो यहाँ करना नहीं है। मैं यार ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप मेरे साथ? आप मेरे साथ मैं सर मैं सुनिए, मैं एक लाइव चैट कर रहा हूँ, मुझे कार्यक्रम जब करना होगा ना तो मैं वहाँ पे परमिशन ले लूंगा। मैं भी लाइव, आप देखते हैं ना जो रिपोर्टर खड़ा होकर बोलता है, बस वो करना है, उसके लिए मुझे क्या परमिशन चाहिए होगी? एएमयू और विवादों का नाता बहुत पुराना है। कभी विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर तो कभी कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का विरोध। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एएमयू में नफरत की तालीम कौन दे रहा है? टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात के लिए मेरे साथ मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। जावेद अहमद साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। जगदेव सिंह यादव साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी निखिल शर्मा भी जुड़ गए हैं। पहला सवाल मनीष जी आपसे, इरफान हबीब कह रहे हैं कि ये कोई गर्व की बात नहीं है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनका फैसला आ जाए, लेकिन ये तो गर्व की बात नहीं, प्रधानमंत्री तो मिसलीड करते हैं तमाम चीजों को। देखिए विश्वविद्यालय परिवार होता है जिसके विवाद वाइस चांसलर,
और किसी भी संस्था के लिए 100 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप से अलीगढ़ को पढ़ाया था और इतिहास था कि तो भारत के प्रधानमंत्री तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गौरवमयी क्षण भी समाप्त करना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ता यानी अभिभावक मनीष जी, मैं आपके इनविटेशन आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही, ठीक हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ। जावेद अहमद साहब, किसको तकलीफ है भाई पीएम के आने से? देखिए अंजीत जी, किसको तकलीफ है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं स्वागत है, लेकिन कुछ सवाल हैं उसके जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देने होंगे, भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। प्रधानमंत्री जी ने कि नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या शपथ पत्र दिया है उसके माइनॉरिटी करेक्टर के नाम पर। आपने डीयू जेएनयू में तो आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पीएचडी स्टूडेंट्स की आपने स्कॉलरशिप रोकी हो, एएमयू में पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं उनकी आपने स्कॉलरशिप रोक दी, कितने फंड्स आपने रोक दिए। और आपकी पार्टी के सांसद अलीगढ़ के सतीश गौतम जी की तो पूरी राजनीति ही एमयू के विरोध पर है। आप किसी वैचारिक विरोध को आप उसको धार्मिक रंग देने का प्रयास करते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री जी गंगा की तरह निर्मल और पवित्र हैं और वो अपने को गंगा पुत्र कहते हैं तो वो स्पष्ट करें तो मतलब कांग्रेस को भी इस बात से भागीदार बनना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री वर्चुअली संबोधित करेंगे, बताएं इससे कांग्रेस को भी तकलीफ है ना? विश्वविद्यालय के माइनॉरिटी के चरित्र पर उनका उनकी सरकार का क्या रुख है, जो फंड रोके गए अब तक उस पर उनका रुख क्या है? सर तकलीफ है ना सांसद और प्रदेश के मुख्य तकलीफ कांग्रेस को भी है ना कि प्रधानमंत्री क्यों एमयू में वर्चुअली संबोधित करेंगे तरीके से? बोले मनीष जी, सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। पर उनके भी क्या है जी, कितनी बात क्लियर हुई थी मुझे नहीं पता है जी। है और किसी भी संस्था के लिए 15 साल बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसे गौरवमयी क्षण में जब देश के प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे तो इतिहास में दर्ज होगा कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 15 साल मना रही थी तो उस समय देश के प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित थे। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गौरवमयी क्षण को प्राप्त करने से भी रोक रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने इरफान हबीब के लिए कहा, देखिए इरफान हबीब से ये तमाम ये जो वामपंथी विचारधारा के इतिहासकार थे जो कांग्रेस के समय में पुष्पित और पल्लवित हुए थे, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं पिछले 6 सालों में। जिस तरीके से उन्होंने इतिहास को पढ़ाया, भारत की जो छवि पेश की थी कि सपेरों का देश था, ये केवल फकीरों का देश था, यहाँ कुछ नहीं था, पिछले कई वर्षों में ये छवि टूट रही है देश की, जो देश की गौरवमयी जो समृद्ध। मनीष जी जावेद साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको कुछ तकलीफ भी है, उनके कुछ सवाल भी हैं, उनके भी सवाल का जवाब दीजिए ना। बोले जावेद साहब को भी दिखाइए, बोलिए, बहुत तकलीफ में है, हम सवाल भी कर रहे हैं, बोलिए। देखिए अंजीत जी सवाल ये नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आपका दोहरा चरित्र क्यों है? जिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नफरत है, आपने उसी के कारण तो उसके माइनॉरिटी करेक्टर को खंडित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया, उसके बाद उसके तमाम फंड रोक दिए, पीएचडी स्कॉलर्स को आपने स्कॉलरशिप रोक दी, क्यों रोक दी? आप देश के प्रति निष्ठा कम है, देश को तो मनीष जी संघ और भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, शैक्षणिक संस्थानों को आपने बर्बाद किया, आप शैक्षणिक संस्थानों को जो जो भारत की परंपरा और हमारी सभ्यता है कि हमने हर विचार का स्वागत किया है, देश के तोड़ने वाली संस्कृति के साथ न भारत रहा है, न हम रहे हैं, न कांग्रेस रही है, देश को तो भाजपा ने तोड़ा है, कांग्रेस ने देश को एक करने का काम किया। हमको बताइए ना, इस देश के गौरव को बढ़ाने में बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी,
दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू के साथ क्या एमयू का कोई योगदान नहीं है? क्या जामिया का कोई योगदान नहीं है? सतीश गौतम जी कितने दुर्भावनापूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं छात्रों के प्रति। सोच का कोई समर्थन करेगा? जिन्ना की कोई बात करेगा? जिन्ना के तो साथी मनीष जी आप रहे, आप बताइए आपके आदर्श पुरुष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी जिन्ना की मुस्लिम लीग में बंगाल की सरकार में मंत्री थे, बताइए क्या कहेंगे? 9 अगस्त 42 भारत छोड़ो आंदोलन पर लाठी क्रांतिकारियों पर लाठी गोली पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदेश से चली थी और वो पश्चिम बंगाल सरकार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री। जावेद साहब आप सुन लीजिए, आपको लगेगा तो आप बोल लीजिएगा, बीच में कोई दिक्कत नहीं। जावेद साहब आप सुन लीजिए ना, जावेद साहब आप सुन लीजिए, आपकी तकलीफ लोग समझ रहे हैं लेकिन आप सुन लीजिए ना सर, बोलिए आप बीच में बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे इससे तो कोई आप पुलिस कर नहीं सकते, इसे मना नहीं कर सकते। तो देश के बंटवारे में कांग्रेस के एक सदस्य कहां पर आए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कहीं जिन्ना की सोच कहीं भारत की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ अगर बात होगी तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसलिए उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और अलीगढ़ नहीं, पूरे देश में कहीं अगर भारतीय संस्कृति सभ्यता के खिलाफ या देश विरोध की बात होगी फिर चाहे अलीगढ़ हो चाहे वाराणसी हो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो सोच है आरएसएस की उसके खिलाफ रहती है और रहेंगे। आपके कहने से हम नहीं बदलने वाले हैं। तो जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे इसलिए आपको बोले जावेद साहब बोलिए। जिन्ना की सोच के साथ मनीष भाई भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, कांग्रेस नहीं खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी लीग की सरकार में डिप्टी एम थे बंगाल में। चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूँ, लेकिन मनीष जी देखिए, मनीष जी उनका सवाल ये था कि एएमयू में स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, तमाम सुविधाएं बंद कर दी गई, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। जावेद जी सुन लीजिए आपको नहीं पता होगा 2005 में जब यूपीए की सरकार थी तो दलितों का आरक्षण समाप्त हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई थी जिसके खिलाफ लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कांग्रेस को उसी तरह भगा के बाहर किया जैसे आंध्रा में मुसलमानों के पश्चिम मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण के लिए मना किया था। तो ये तो कांग्रेस दलितों के आरक्षण के खिलाफ थी और कोर्ट में लोग गए थे विरोध का तरीका कौन सा है? जहाँ गौरव का मामला वहाँ विरोध करने पर आ गए, आप एक तरफ कहते हैं स्वागत है दूसरी तरफ किंतु परंतु लगा देते हैं। जावेद साहब नहीं किंतु परंतु अंजीत जी इसलिए है कि आप अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उसको क्या देने जा रहे हैं? आप ऐतिहासिक क्षण के हिस्से तो सर ये तो बाद में पता चलेगा ना, ध्वस्ती करा ये तो बाद में पता चले ना कि क्या देने जा रहे हैं, ये अभी से आपने मन बना लिया है। नहीं मन नहीं बना लिया, 6 साल में इस सरकार ने क्या किया? 6 साल में इस सरकार ने तो मैं जगदेव सिंह यादव साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे साथ आमिर मेंटोई साहब भी जुड़ गए, नेता है छात्र नेता। आमिर मेंटोई साहब तकलीफ क्यों है प्रधानमंत्री के आने से? किसको? देखिए सुनिए आपका ये जो सवाल है ना तकलीफ क्यों, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूं आपने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछा कि तकलीफ क्यों, तो सबसे पहले तो मुझे प्लीज ये क्लियर कर दें कि मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये एक न्यूज चैनल के एंकर का सवाल है तालीम या के मरकज में मजहबी नफरत क्यों? आप एक होस्ट हैं तो प्लीज ट्रीट जस्ट एज अ होस्ट। मैं मॉडरेटर मेरे सवाल आप नहीं तय करेंगे, इस शो का एंकर मैं हूं और मैं ही सवाल तय करूंगा क्या पूछना है, आपसे पूछ के सवाल नहीं पूछूंगा। बोलिए। नहीं
आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ही सवाल तय करेंगे, मैं सवाल तय नहीं करूंगा। बट जनाब, आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क ने थ्रू एक्टिविज्म अभी 70 साल पहले आजादी हासिल करी है कॉलोनियलिज्म से, ठीक है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का था, इसलिए मैं मीडिया के एथिक्स आपको बता रहा हूं। एथिक्स मत मुझे समझाइए, कोई इशू मुझे एथिक्स मत समझाइए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आमिर मुंतई, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं आपके। मेरा सीधा सा सवाल आपसे है और उस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तालीम के मरकज में मजहबी नफरत क्यों? बोलिए। मैं वही बात कह रहा हूं, मैंने मेरी जो ड्यूटी थी वो मैंने निभा दी। बाकी मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूं, आपने कहा कि भाई प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि मेरे हाथ में मेमोरेंडम है, ये मेमोरेंडम कल एमयू स्टूडेंट्स ने वाइस चांसलर को दिया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर के नाम मेमोरेंडम है, इसमें अपनी डिमांड्स दी हैं। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि वाइस चांसलर ने जो डिसीजन लिया है, सेंटिनरी सेलिब्रेशन हो रहा है, सेंटिनरी सेलिब्रेशन सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। स्टूडेंट्स बॉडी से कोई भी कंसर्न लिए बिना क्योंकि गेस्ट डिसाइड किया गया, तो ऑब्वियस है कि आपको प्रधानमंत्री से ही तकलीफ है। आप पता नहीं क्या मेमोरेंडम समझा रहे हैं, मैंने पूछा तकलीफ क्या है सर, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या इतनी देर से समझा रहे हैं सर। लेट मी कंक्लूड, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, लेट मी कंक्लूड, ठीक। ये अपना चार्टर ऑफ डिमांड कल स्टूडेंट्स ने दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी डिमांड्स करी हैं, जिसमें माइनॉरिटी कैरेक्टर का इशू भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ये है कि एमयू स्टूडेंट्स ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिवली फॉर एससी एसटी उन्होंने मांगी है। अब ये डिमांड जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएगी, इस पर क्या मनीष जी मुझे एक बात बताइए, ये लोग क्यों भड़का रहे हैं भाई, चाहेंगे ये लोग क्यों भड़का रहे हैं, ये लोग क्यों गुमराह करते हैं और भ्रम फैला रहे, दूसरी तरफ सवाल का जवाब नहीं देते, सवाल पर भी भ्रम फैला रहे हैं। मनीष जी, इनका ये दोहरा सुनिए, इसको माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाए और एससी का रिजर्वेशन समाप्त हो जाए सरकार के समय में दलितों के आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया गया कि नहीं किया गया, माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रोक लगाई। देखिए सीधी सी बात है, जो लोग शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री के आने का विरोध कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो एमयू की गरिमामय क्षण को कमतर करना चाहते हैं। अरे सर, वहाँ हालात ये, मनीष जी गरिमा की तो बात आप छोड़िए, वहाँ हालात ये कि आप कैमरा लेके जा नहीं सकते, वहाँ इस तरह से गुमराह किया जाता है, वहाँ इस तरह से गुंडई हो रही है सर, वहाँ कैमरा लेके जा नहीं सकते आप, वहाँ रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो रहा है। ये लोग सीधे सीधे जो नए छात्र हैं, जो लोग वहाँ के, उनको गुमराह करते हैं। जगदेव सिंह यादव साहब मुझे एक बात बताइए, इतनी नफरत क्यों भाई प्रधानमंत्री से, इतनी नफरत क्यों किसी यूनिवर्सिटी में? आप तो छात्र नेता भी रहे जगदेव सिंह यादव साहब, मुझे बताइए किसी यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री आ रहे तो गौरव की बात होनी चाहिए। बोलिए अंजी जी, सही कह रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, खाली एक पार्टी के अब प्रधानमंत्री नहीं जी, आप तस्वीरें देख लीजिएगा, संघ के प्रधानमंत्री हैं जी। बोलिए सर। और एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एक माइनॉरिटी क्लास के बहुसंख्यक वहाँ ज्यादा लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि नीति और नियत में फर्क नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री की नीति और नियत में जो फर्क रखता है, दिखते कुछ है करते कुछ है, दिखावा कुछ करते हैं, इससे लोगों को भ्रम पैदा हो रहा है। प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री होने बाद सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। अभी आप पिछले समय में देखा था वहां पे आरएसएस की शाखाएं लगने के बाद हुई जगदेव सिंह तमाम बार पॉलिटिकल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों एमयू जैसे मुद्दों पर आप लोग पॉलिटिकल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री को वोट बैंक की चिंता करिए, लेकिन सच तो कम से कम बोलिए ना जगदेव सिंह साहब, आपसे तो हम यही उम्मीद करते हैं कम से कम। नहीं, बिना किसी सांप्रदायिक भावना के आना चाहिए तो सर, प्रधानमंत्री भाई वो आएंगे क्या करेंगे ये तो बाद में तय होगा ना सर, अभी से विरोध करना है। सारे वर्ग के, सारे धर्म जात के हैं, लेकिन जब वो उनकी 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 जब नहीं, अभी से प्राइमरी स्टेज से तो विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है,
आना आने देना चाहिए और देखना चाहिए क्या करके जाते हैं, इस यूनिवर्सिटी कितना करते हैं, उसको क्या देते हैं क्या लेते हैं, उसके बाद कमेंट करना चाहिए। लेकिन उनको भी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी, चलिए सर, बहुत साफ नियत से, मुझे लगा वो साफ नियत क्या होगी, चाहिए वो साफ नियत क्या होगी, मैं आपसे पूछूंगा, अभी आ रहा हूँ सर, एक मिनट में। निखिल मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और अलीगढ़ में आरएफ के जवानों को तैनात किया गया, सुरक्षा बढ़ाएगी, लखनऊ से कैसे नजर रखी जा रही है? बिल्कुल, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पूरे इलाके को छावनी में बदला गया है, चाहे पीएससी हो, चाहे आरएएफ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लोकल इंटेलिजेंस, सबको एक्टिव किया गया है, किसी भी तरह का कार्यक्रम में कोई व्यवधान ना हो, इसको लेकर पूरी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही जिस इलाके में कार्यक्रम होना है, जहाँ पर तमाम छात्र मौजूद रहेंगे, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे किसी भी स्थिति में कार्यक्रम स्थल पर जो है कोई भी व्यक्ति काला झंडा या इस तरह का कोई आपत्तिजनक सामान लेकर ना पहुंचे। इसको लेकर लगातार पिछले कई दिनों से वहां तैयारियां चल रही है और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके साफ कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो, चाहे पुलिस की तरफ से हो, वो पूरी कर ली गई हैं। मकसद है कि किसी भी स्थिति में यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के बाहर शहर में किसी भी इलाके में कोई इस तरह की अराजकता ना फैले, तो इसको लेकर आज से रात से ही गश्त शुरू कर दी गई है। तमाम इलाकों में पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं और जो भी इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति है, जिसने प्रदर्शन का विरोध करने का ऐलान किया है, पुलिस उस पर निगाह बनाए हुए, कल किसी भी तरह से कार्यक्रम में व्यवधान ना हुआ जी। तो ये तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई हैं और जैसा कि मैंने बताया कि तमाम तरह के फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, प्रयास होगा कि कोई भी स्थिति में कार्यक्रम जो है वहां पर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े जी। ठीक है, आमिर मंटोई साहब, मुझे एक बात बताइए सर, प्रधानमंत्री का तो स्वागत करना चाहिए था, गौरव की बात होनी चाहिए थी, विरोध करने पर उतारू हो गए आप लोग? देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन प्राइम मिनिस्टर को भी ये करना होगा कि उनकी फिगर कंट्रोवर्शियल क्यों है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है उनकी जिसकी वजह से उनकी फिगर कंट्रोवर्शियल है, क्या ही बेहतर होता है भ्रम फैलाते हैं कंट्रोवर्शियल ही ना, अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे क्या, ताज बनाती, इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इससे तकलीफ है आपको, देश के हजम नहीं कर पा रहे हैं आप। एएमयू स्टूडेंट्स सुनिए, देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री से, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री से एएमयू स्टूडेंट्स एससी एसटी के लिए रिजर्व एक यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, वो देंगे या नहीं देंगे, आप इस मांग को फेवर करते हैं, यस और नो सर, आप भ्रम फैलाना बंद करिए, बोले जगदेव सिंह यादव साहब, आप एएमयू स्टूडेंट्स की इस डिमांड के साथ हैं? मैं ये कह रहा था देश के प्रधानमंत्री के लिए सब बराबर होने चाहिए, बिल्कुल, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के जो क्रियाकलाप है वो पार्शियल है, पक्षपाती है, बता दीजिए, वो विवादित है, करके बता दीजिए जो उनके भजवा दिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए।